हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये शैलील का 2 मीटर फैब्रिक है बिना कली की सलवार सिएंगे, इसकी कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी। तो ये हमारा कपड़ा है तो हम फैला लेंगे। अब हम इसको 2 फोल्ड में करेंगे। 2 फोल्ड में कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। 37 इंच हमारी लेंथ है ये, और हमारा ये 2.5 इंच में जाएगा नेफे में, है ना। 1 इंच उसमें चला जाएगा मार्जिन में, तो हमारी इतनी बैठेगी। अब हम इसको यहाँ पर लंबाई लेकर यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको यहाँ से कर लेंगे। इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। फिर हम इसको अंदर से जो है सिलवटे निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारे 2 है और ये नीचे का 2, इसे 4 फोल्ड में करना है। रख दी है। अब हम इसके नाप लेंगे। अब ये हमारी सलवार है। अब हम इसको यहाँ से नापेंगे। अब हम अपने पाँचे का नाप लेंगे। हमारा पाँचा है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे निशान लगा के को फोल्ड करके यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। फिर हम इसको कट कर लेंगे यहाँ तक निशान लगा के, और नेफा भी मोड़ लेंगे 2.5 इंच का। इससे मदद से, स्केल की मदद से हम निशान लगाएंगे। डेढ़ डेढ़ इंच का मार्जिन लेंगे। डेढ़ डेढ़ इंच का लगाएंगे। उसके बाद हम कट कर लेंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे मार्जिन को छोड़ते हुए। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको देखेंगे, ये सही आ रहा है, बिल्कुल बराबर कटिंग हो गई है। अब हम अपनी मियानी लेंगे, यानी रुमाली। रुमाली हम 9.5 इंच लेंगे। 9.5 इंच में निशान लगाएंगे। थोड़ी सी गोलाई, हल्की सी गोलाई देंगे। फिर हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से। अब हम इस पर इसको अटैच करेंगे। ये एक पार्ट है तलवार का, ये दूसरा पार्ट है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे सिलाई का, जो हट गए गाढ़े कर लेंगे निशान को। 6.5 इंच पे हमारा पाँचा है, निशान लगा लेंगे अच्छे से निशान लगाकर। अब हम इसकी सिएंगे। अब हम इसके बाद हम ये सलवार पे लगाएंगे। ये हमारी, इसकी लंबाई 17 इंच है, चौड़ाई 3 इंच है। अब हम इस पे पाँचे पर लगाएंगे, डिज़ाइन बनेगा। अब हम इसको कच्ची सिलाई कर लेंगे। अब हमने फैब्रिक ग्लू से चिपका लिया है बुकरम को। अब हम इसको ऊपर रखेंगे। अब हम इसको सियेंगे। पैर के बराबर सीएंगे।
इसको सीधा करके और यहाँ पर भी इस पर सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएंगे ताकि साफ आए फिनिशिंग से। ये पूरा सिल गया देखिए। अब हम इसको आधा इंच करके इसको भी यहाँ से बिल्कुल बारीक सी लेंगे, डेढ़ इंच चौड़ाई है। अब हम इसको यहाँ पे लगा के सियेंगे बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई करेंगे। देखिए हमारा पाँचा है, ऐसे ही हम दूसरे पाँचे पर भी लगाएंगे। ये हमारा दूसरे पाँचे की पट्टी, इसको भी हम लगाएंगे। दूसरा पाँचा भी तैयार हो गया है। देखिए हमने पाँचे तैयार कर लिए हैं, अब हम यहाँ से इसको सियेंगे। निशान लगा लिए हैं 6.5 इंच पे, हम यहीं से इसको पक्का करते हुए इसको पक्का कर लेंगे। सलवार का एक पार्ट सी लेंगे, फिर हम बाद में दूसरा पार्ट सियेंगे। दूसरा पाँचा भी सिल गया है। देखिए हमने ये सिल लिया है, अब हम दूसरा लगाएंगे, दूसरा पार्ट सियेंगे, इसको भी हम पक्का कर लेंगे। जहाँ पे निशान है वहाँ तक सीएंगे और जहाँ हमें मियानी लगानी है वहाँ तक इसको सी लेंगे। अब हम अपनी रुमाली लगाएंगे, इसको इसमें अटैच कर लेंगे एक पार्ट में, यहाँ से करते हुए इसको पूरा सी लेंगे। रुमाली सी ली है, अब हम इसके बाद आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर हम अपना 2 इंच पे सियेंगे। यह हमारा नेफा है, हम नेफे को करेंगे आधा इंच करके फोल्ड करके सियेंगे। यह हमारा 2 इंच है, 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए
अब हम इसको सी रहे हैं। देखिए ये हमने सी लिया है, अब हम इसको सीधा करके दिखाएंगे कैसी बनी। देखिए ये हमारी बिना कली की सलवार है जो मैंने सी है। सलवार कटिंग करने का मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, ये बहुत जल्दी भी बन जाती है और आसानी से सिल भी जाती है। कमेंट में बताएं कि ये कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।